फ्रेंड्स वेलकम टू माय रियल लाइफ ब्लॉग। फ्रेंड्स आज आई हूँ मैं गोवर्धन गिरिराज जी के मंदिर में, तो मैं चाह रही हूँ आप लोग की दर्शन करें भगवान गिरिराज जी के। हम लोग दान घाटी पर आ गए हैं, आप दर्शन करिए। मंदिर प्राचीन मंदिर है जिसको दान घाटी बोलते हैं। ये है दान घाटी मुखारविंद, और ये है भगवान के 56 भूत के दर्शन का मुखारविंद और श्रृंगार दर्शन। बोल गिरिराज महाराज की जय। तेरा किसने किया रे बोल पूछने के लोटान की जय। आप लोग बताइए कभी इतने पास से दर्शन कर पाए हैं आप? आराम से दर्शन करिए। ये दान घाटी गोवर्धन का मुखारविंद है। थोड़ा मानसिक रूप से परिक्रमा भी लगा लेते हैं और देखिए इनका श्रृंगार। इनके दर्शनों से मेरा मन तो भरता ही नहीं है, लगता है देखते रहो देखते रहो। चलिए हम लोग दर्शन कर चुके, ये सारा मंदिर है भाई, यहाँ का गोवर्धन के दर्शन करिए। प्रवेश द्वार, ये देखिए भीड़ भाड़ हो रही है बहुत ज्यादा। ब्रज की भूमि के आप भी दर्शन करिए। ये है हमारा ब्रज धाम, मेरो गोवर्धन धाम। डाल डाल और पात पात पे राधे राधे होए। और साथियों आपने कभी ब्रज की मिठाई खाई है? हमारे मथुरा वृंदावन के पेड़े शायद ही कहीं मिल पाएंगे ऐसे। ठाकुर जी को यही पसंद है। यहाँ है बहुत सारी धर्मशाला वगैरह, आप लोग आए तो यहाँ बहुत जगह मिलेंगी रुकने का, बहुत अच्छे से अच्छा स्थान मिल सकता है। आप लोग आइए कभी हमारे गोवर्धन में घूमने। गोवर्धन की पावन भूमि, ये हाँ इधर इधर यही, ये है गोवर्धन की पावन भूमि ब्रज भूमि। तो गाइस आपको कैसा लगा दर्शन करके गोवर्धन के गिरिराजी महाराज के? देखिए दीपावली के बाद तो गोवर्धन की पूजा होती ही है, हमने साक्षात दर्शन करा दिए आपको गिरिराजी के। तो आपको कैसे लगे ये बताइएगा, मुझे तो विश्वास है आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा दर्शन करके। तो अब हम चलते हैं मथुरा। मानसी गंगा है लेकिन हम जाएंगे नहीं, देर हो गई है। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नया लेके। अच्छा बन गया, बहुत सुंदर बन गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा प्लीज। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे। आप लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।